में किसान मेले का उद्घाटन करने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में गिरते जल स्तर पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें उन फसलों पर ध्यान देना होगा जिनमें कम पानी इस्तेमाल हो। पीएयू की ओर से किसान मेले में विभिन्न विभागों के करीब 300 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ अलग अलग विभाग किसानों को नई शोधों के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह किसान पराली फूंकते हैं जिसको लेकर पंजाब सरकार भी चिंतित थी, इसी का हल निकालते हुए कई कंपनियों ने अपनी नई टेक्नोलॉजी को बाजार में उतारा। साथ ही साथ कई बड़ी टूल कंपनियां भी इस मेले का हिस्सा बनी और इसके साथ साथ बाजार में कई नई किस्म के बीज भी बाजार में पहुंचे, जिनको लेने के लिए किसानों का जमावड़ा देखने को मिला। इस बार असी एक पैड़ी शटर चॉपर हैप्पी सीडर जीरो ड्रिल सुपर सीडर जिहड़ा असी मेले उत्ते लगाया ते ये सारे प्रोडक्ट ने जिहड़े पराली नूं अग ना लाउण तों बनाए ने। असी भी जिमीदार नूं पराली नूं अग नहीं लाउणी चाहीदी जिस तरह पोल्यूशन हुंदा है ते जे ये प्रोडक्ट ये सारे यूज करते हैं तो जिमीदार नूं खेत च अग लाउण दी जरूरत नहीं पवेगी। देखो जी न्यू स्वैन ग्रुप है ना साडा ये हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहा भी किसानों नू नवी टेक्नोलॉजी दईए ते असी कई ऐतकी नवे प्रोडक्ट लैके आए हैं जिवें कि हैप्पी सीडर है सुपर सीडर है जिहदे नाल बिजाई की कीमत घटती है ते जिहड़ा स्टबल बर्निंग का मेन इशू है वो मतलब उहदे नाल कंट्रोल हुंदा। इस तों अलावा जिवें रोटो सीडर है साडी अज तकरीबन 150 दे करीब बुक हो गए ते मैं समझदा भी जिहड़े स्वैन दे प्रोडक्ट है वो किसान काफ़ी पसंद करते हैं तो सब तो ज़्यादा स्वैन के प्रोडक्ट ही विकते। सबसिडी सरकार ने देनी है पर असी जिन्हें भी सबसिडी साढ़े सारे तकरीबन 20 के करीब साढ़े इंप्लीमेंट सबसिडी के पास है तो जिहड़ा भी किसान कोई सबसिडी लेना चाहता है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट असी पूरी करते हैं। ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਰੀਸ ਗਨ, ਓਇਲ ਕੈਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਸਕਰੂਡਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਕਰੂਡਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਲਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੀਪ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਪਾਉਣ ਵਾਰ 'ਚ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 200 ਦੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 150 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये छोटे इस तरह जी भी पंजाबियों से खासियत है, एक जो किसी भी कोई आफत आती है सारे पंजाबी रल के वो नजिठते हैं। ये कुदरती आफत जी आई है किसान से तो असं आपका बनता सहयोग पाने लगे उन्होंने वास्ते भी जिन्हें ने हड़ पीड़ितों की सेवा करनी है उन्हों की जाके कणक की बिजाई करनी है वो आफत उन्होंने समर्था इस टाइम है नहीं गी रोटावेटर खरीदने की। जे किसी बाहरले एरिए ने जाके उत्थे ये करनी उन्हों की सेवा करनी है बिजाई वास्ते उन्हों वास्ते असी 20,000 रुपया डिस्काउंट से असं रोटावेटर उन्होंने दे रहे हैं जी। लोगों को ये अपना चाहिए कम ये सेवा, एक सेवा मनुखता की सेवा है तो उपर कोई सेवा नहीं की। देखो जी किसान मेला ये तो बहुत वधिया मेला, मैं एक दो बार पहले भी आया। असी इत्थे ले गए हैं डबल रोटरी रोटावेटर जो एक नवी इनोवेशन है पूरे वर्ल्ड दे विच। अजे तक सिंगल रूट के रोटावेटर बने, मैं काफ़ी कंट्रियां देखिया, अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, सब जगह एक ही थीम है। एक साफ्ट ला दी, उसके पीछे एक ब्लेड लाते, छे घुमाता, उसके ते ट्रैक्टर से बड़ा लोड सीगा। लेकिन जदों ये डबल रूटर असी बनाया ये लगा लो कि लोड तो जमा ही बहुत घट हो गया। साढ़ा 7 फुट का रोटावेटर असी 35 हॉर्सपावर ट्रैक्टर से असी रिकमेंड करते हैं, लेकिन यूपी के अंदर साढ़े कुछ भरा आइसर सिंगल सिलेंडर से भी चला रहे हैं जिदे करके
ये उपर ट्रैक्टर के लोड कट करके मतलब डीजल की कंजम्पशन बहुत घट होगी। बट यही सानू हुण चाहिए है, जो मोदी जी का भी सपना यही है भी किसान की इनकम डबल किवें करी। एदा मैं हुण तो भी 3 साल पहले दिल्ली विज्ञान भवन के इनोवेशन इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन उहदे विच भी मैं डेमोस्ट्रेशन दिता है, एदा मैं लैक्चर दिता, लोगों नूं काफ़ी पसंद आया। और ये साडी टैक्नोलॉजी ज्यों ज्यों किसान वीर आ रहे हैं बहुत तेजी नाल मतलब लाइक भी कर रहे हैं, खरीदार भी बहुत हो रही है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ DBW 222 ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, DWR ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ DBW 187, ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ HD 3200। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਆਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕਨਾਲ ਬੀਜਣ, ਕਨਾਲ ਬੀਜਣ ਪਰ ਬੀਜਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾੜ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।